अगर आप भिन्न का जोड़ सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखें और ध्यान से देखें। भिन्न का जोड़ बनाने के लिए सबसे पहले इन दोनों का लोसोर निकाला जाता है, लोसोर निकाला जाता है इन दोनों का, दोनों के हरों का लोसोर, दोनों जो हर है ये और ये, इन दोनों का लोसोर निकाला जाता है। लोसोर निकाल लेंगे, लोसोर कितना आ जाएगा, 6 और 8 का 2 3 6 24 लोसोर आ गया। लोसोर निकालने के बाद पहला जो हर है इससे इसमें भाग देंगे, इससे इसमें भाग देंगे, तो 6 से 24 में भाग देंगे तो 4 आएगा, 4 आएगा, भागफल जो आएगा उसको इसके अंश से गुना कर देंगे तो 5 गुना, भागफल कितना आया, 4, 5 × 4 कर देंगे जोर। अब दूसरा जो हर है उससे इसमें भाग देंगे, इससे इसमें भाग देंगे, ये जो हर है इससे भाग देंगे इसमें, तो कितना आ जाएगा, 8 × 3 = 24, तो 3 आया भागफल, तो इसके अंश से भागफल में गुना कर देंगे तो 4 गुना, भागफल कितना आया, 3, 4 × 3 तो 5 × 20 जोड़ 4 × 3 = 12 बटे जो है लिख देंगे 24, कितना आ जाएगा, 20 × 12 = 32 / 24। इसको और सिंपल करने के लिए 8 से भाग लगता है, भाग दे देंगे, 8 × 3 = 24, 8 × 4 = 32 तो 4/3 आ जाएगा। अब दूसरा जो है उसमें भी यही करेंगे, इन दोनों का लोसो निकालेंगे, इन दोनों का लोसो निकालेंगे तो लोसो कितना आ जाएगा, 9 और 15 का लोसो 3 से 3 × 9 = 15 × 3 = 45 आ गया लोसो, 45 आ गया लोसो, तो 9 से इसमें भाग देंगे तो 9 × 5 = 45, 5 आया भागफल, 9 × 5 इससे भाग देंगे इसमें तो 9 × 5 = 45, 5 आया भागफल, तो जो भागफल आया उसको अंश में गुना कर देंगे, 4 गुना, भागफल कितना आया, 5, तो 4 × 5 कर देंगे जोर। अब दूसरा हर जो है 15, इससे इसमें डिवाइड करेंगे, यानी कि इससे इसमें भाग देंगे, इससे इसमें भाग देंगे तो 15 से 45 में भाग देंगे तो 3 आएगा, 15 से 45 में भाग देंगे तो 3 आएगा, 3 इसके अंश में गुना कर देंगे, भागफल से इससे के अंश में गुना कर देंगे तो 7 × 3 करेंगे, तो अब आगे 4 × 5 = 20 और 7 = 21 बटे में जो है 45 लिख देंगे। अब 20 जोड़ 21 तो कितना हो जाएगा, 41 बटे 45, यही हो गया हमारा आंसर। नेक्स्ट में भी इसी प्रकार करेंगे, तो इसका लॉस निकालेंगे, 11 और 5 का लोसो आ जाएगा कितना, 55 आ जाएगा। अब इससे देंगे इसमें भाग, इस जो हर है पहला हर उसमें इससे देंगे 55 में भागा तो आ जाएगा 5, 11 से देंगे 55 में भागा तो 5 आएगा, तो 5 जो भागफल आया उस अंश में 5 से भागफल से गुना कर देंगे, 5 × इतना भागफल कितना आया था, 5 × 5 जोर। अब जो ये 5 है इससे देंगे इसमें भाग तो कितना आ जाएगा, 5 से देंगे 55 में भाग तो आ जाएगा 11 आ जाएगा, 11 से इस अंश में गुना कर देंगे तो 6 × 11 तो अब गुना करके जोड़ देंगे, 25
जोड़ एगर छा के 66 बटे 55, जोड़ने के बाद आ जाएगा 6 5 11 1 6 2 8 1 9 91 बटे 55 जो है हमारा आंसर हो गया। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इसी तरह के वीडियो पाने के लिए बेल आइकन को भी दबाएं।